हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, लाइक नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एंड अल्टी ग्रेड। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो नाउ स्टार्ट। अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? गीत गोविंद में प्राप्त होते हैं और गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम किसके द्वारा दिया गया था? राय कृष्णदास। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? भारत के पूर्वी हिस्से में। पाल शैली को ही लघु चित्र शैली कहते हैं। टाइम ड्यूरेशन है 7वीं से 12वीं शताब्दी लघु चित्र का। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित नहीं है? तो ये पाल शैली से नहीं है, क्योंकि पाल शैली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से बिलोंग करते हैं और गुजराती, जैन, अभ्रंश, ये तीनों किस काल के हैं? तो ये अभ्रंश का ही ये सब पार्ट है। मुगल स्कूल का स्वर्ण काल किसके शासक की अवधि में था? मुगल स्कूल का स्वर्ण काल पूछ रहे हैं, शाहजहां का काल है। और अगर आता है कि पोथी चित्रण का काल कौन सा है, तो अकबर का काल। और पेंटिंग का गोल्डन एज स्वर्ण काल जहांगीर का काल है। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित शैली चित्र का नाम बताइए। कौन सी चित्र शैली विकसित थी ईरानी और राजस्थानी से? तो वो थी समन्वय में दोनों का मिश्रण था, मुगल शैली। मुगल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ? औरंगजेब के समय, क्योंकि ये पेंटिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं दिया। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करते हैं किससे? रेखाओं, रंगों और रूप तीनों से करते हैं। तो उपयुक्त तो सभी सही आंसर होगा। सिंपल तरीके से अगर हमें कोई पेंटिंग बनानी है तो हम सबसे पहले सरफेस लेते हैं। सरफेस लेने के बाद उसमें कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, एक्स वाई जेड, हमने लैंडस्केप बना लिया, शेप बना ली, फिर उसमें कलर्स का भी रोल है। देखिए किसका किसका रोल है, ड्राइंग का भी है, कलर का भी है और एक रूप बनकर तैयार होता है। तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर होगा। वसली क्या है? तो वसली है कागज पर चित्रण हेतु उचित धरातल। चित्रित ग्रंथ आयारे दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? आयारे दानिश है पंचतंत्र की कहानी पर आधारित। राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? 1904 ईस्वी में। किसके थ्रू? तो ब्रिटिश के थ्रू। ब्रिटिश के थ्रू इनको 1904 ईस्वी में केसरी हिंद की उपाधि मिली। राजा रवि वर्मा को किस चित्र पर गायक अवार्ड स्वर्ण पद से सम्मानित किया गया था? तो वो पेंटिंग थी सीता जी का वनवास। ये गायक अवार्ड मिला कब है? तो 1866 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? ईश्वरी नारायण नहीं है। कंपनी शैली की खोज हुई थी 1943 ईस्वी में और किसने की थी? तो पीसी मानक ने। फिरका शब्द का संबंध कहाँ से है? तो फिरका का संबंध है कंपनी शैली से। फिरका होता क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस तरह से एक स्क्रॉल पेंटिंग की जाती थी, फिर इसे फोल्ड भी कर सकते थे, इस तरह से मोड़ के फोल्ड करके हाथ में भी ले सकते थे इजली। त्रावणकोर के महाराजा की अनुशंसा पर राजा रवि वर्मा को ऑनर ऑफ बंगाल कब मिला? 1866 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? शाकुंतला दुष्यंत के नाम पत्र लिखते,
सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है इनकी, राज रवि वर्मा की। भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया है, और भारत भवन का टाइम क्या था, 1982 ईस्वी में स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे अशोक वाजपेयी। और प्रथम यहाँ पर संस्थापक थे अशोक वाजपेयी और प्रथम अध्यक्ष बने थे जे स्वामीनाथन। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और सर्वप्रथम जन कौन थे, तो हरमन गोस थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में। और प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे बने थे डीपी रॉय चौधरी। तो अभी प्रेजेंट टाइम है आदित्य गढ़नायक, ध्यान रखिएगा आदित्य गढ़नायक प्रेजेंट टाइम है, लेकिन सर्वप्रथम जो किए थे वो है जनरल गोइस। टाओ आर्ट गैलरी कहाँ है, टाओ आर्ट गैलरी है मुंबई में। आकार प्रकार आर्ट गैलरी कहाँ है, आकार प्रकार आर्ट गैलरी कोलकाता में है। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, वैन गॉग की पेंटिंग है। पटना कला शैली का विकास किन दो शैलियों से हुआ था, उसका सम्मिश्रण है इंडियन एंड यूरोपियन, मतलब यूरोपीय और भारतीय शैली। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है, तो वो है पैब्लो पिकासो की। टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, पहले नीले का बता देते हैं। नीले का टाइम ड्यूरेशन है 1901 से 1904 तक का, और गुलाबी का टाइम ड्यूरेशन है 1904 से 1905। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, वॉश टेक्निक के कारण जानी जाती है। अब बंगाल स्कूल का टाइम है 1895 से 1920 तक का, और इसके फाउंडर हैं आनंद कुमार, सॉरी अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल के फाउंडर। महान स्फिंक्स अवस्थित है, तो ये है इजिप्ट के गीजा में। तीन केव थे, मतलब तीन पिरामिड था, लाइक खुफे, खफरे और मैनकुरे। तो ये यहाँ खफरे के सेंटर में क्या है, महान स्फिंक्स है। ऐसा कहा जाता है कि ये महान स्फिंक्स इन तीनों इजिप्ट में जो तीन पिरामिड है उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसका फेस जो है वो लॉयन का है, और इसकी बॉडी, इसका फेस ह्यूमन बींग का है और बॉडी लॉयन की है। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटिस नदी के किनारे। किस प्रकार कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है, कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन वॉश चित्रकला, वॉश पॉटरी की बात हो रही है बर्तन है, तो वो किस काल की है, ग्रीक की। पार्थेनन स्थित है, तो पार्थेनन एक मंदिर है जो एथेंस में है, ग्रीक के एथेंस में, और यहाँ पे एथेना नाइके की मूर्ति है और आर्टिस्ट है फिडियास, फिडियास ने बनाई है। ज्योतो किस रूप में प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रकार के रूप में। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी, तो वो इटली में। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा बनाई गई, और ये बनाई गई है पाषाण में रामकिंकर बैच के द्वारा, पत्थर में बनाई गई है। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आईज किसके जीवन पर आधारित है, विनोद बिहारी मुखर्जी की लाइफ पर। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, उसका टाइम था 1947 या 48, जिसे पैक ग्रुप कहते हैं। इसके सचिव फाउंडर थे एफ एन सूजा, और जो मेंबर्स थे वो थे
एम एफ हुसैन, एस एच रजा, के एच आरा, गाडे गायतोंडे। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, वह प्रविधि क्या थी? तो काले रंग में चित्र बनाना उसे शाह कलम कहते हैं। पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता पर आधारित है। बेंजेंटाइन कला की विशेषता है? मोजैक भित्ति चित्र। बेंजेंटाइन कला में क्या करते थे, शीशे को अलग अलग कलर्स करके उसे पेस्ट करते थे एज ए म्यूरल टाइप में। और कलर्स कौन से यूज़ करते थे, तो ऑक्साइड रंग का यूज़ करते थे कांच पर कलर करने के लिए। मिश्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंध है? तो वो है आत्माओं से। उनका बिलीव था कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है, तो उन लोगों का ये स्टेटमेंट था कि जब वो पिरामिड बनाते थे तो उसमें सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते थे, सब कुछ ऐड करते थे लाइक राशन से लेके ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उनकी लाइफ, उनके माइंड में था कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जयपुर शैली में। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां इन्होंने किस माध्यम में बनाई थी? तो ग्वास में। ग्वास होता कैसा है, तो ये ओपैक टेक्निक में होता है। पोस्टर कलर को बेसिकली ग्वास कहते हैं, थिक कलर्स एक ही लेयर में जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ग्वास रंग होते कैसे हैं, तो वो अपारदर्शी होते हैं। भारत माता किसकी रचना है? भारत माता पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, वॉश पेंटिंग। कामा सूत्र में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? तो टोटल 64 कला है। NID कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन, वो है गुजरात के अहमदाबाद में। मेघदूत चित्रावली है सैलेनार्ड डे की। सैलेनार्ड डे की मेघदूत पेंटिंग रखी कहाँ है, संग्रहित कहाँ है? तो ये है भारत कला भवन बनारस में। भारत कला भवन बनारस में है। और ये किसके कहने पर इन्होंने बनाई थी मेघदूत पेंटिंग? राय कृष्णदास के कहने पर। स्टोन हेज अवस्थित है, तो ये ग्रेट ब्रिटानी में अवस्थित है। ये एक पासाड है, इस तरह से तीन पत्थर रखे गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कब्र के साँचे भी सर्वप्रथम यहीं से मिले हैं। और ये 300 ईसा पूर्व की है, 300 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी। और 7 मीटर साइज बताती हूँ मैं आपको कि इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ है 7 मीटर 23 सेंटीमीटर। बेंजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, तो येलो कलर्स स्वर्ग का प्रतीक। तारीफ़ अल्फी क्या है? तारीफ़ अल्फी में दुनिया के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। और ईरान के इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? ईरान का इतिहास तो शाहनामा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर वीडियो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। आप ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोज़ देखते रहिएगा, मैं डेली अपलोड करूँगी। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।